गाइस, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। तो आज हम जाने वाले हैं धुरवा डैम, जो कि रांची से लगभग 13 किलोमीटर दूर है। धुरवा डैम का निर्माण सन 1962 से 1963 ईस्वी के बीच में हुआ था। सुवर्णरेखा नदी पर बना यह बांध उन लोगों के बीच में बहुत चर्चा में रहता है जो वीकेंड में अपने प्रियजनों के साथ घूमना पसंद करते हैं। तो अभी हम हैं बिरसा चौक में, और बिरसा चौक से धुरवा डैम लगभग 12 से 13 किलोमीटर दूर है, और बिरसा चौक से धुरवा डैम जाने में लगभग 20 से 25 मिनट का समय लगता है। तो चलिए यहाँ से धुरवा डैम की ओर बढ़ते हैं और आपको दिखाते हैं वहाँ का खूबसूरत नज़ारा। और अभी खड़े हैं धुरवा डैम के स्टार्टिंग पॉइंट में, जहां से धुरवा डैम शुरू होता है। और आप यहां से देख सकते हैं यहां का नजारा कितना खूबसूरत है। तो जैसे ही हम धुरवा डैम के पास आए, हमने यहाँ पर देखा एक भैया बहुत ही अच्छा गिटार बजा रहे हैं और काफ़ी अच्छा गाना गा रहे हैं। तो चलिए उनसे बात करते हैं और रिक्वेस्ट करते हैं कि वो भी हमारे लिए गाना गाएं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, हम भैया के पास पहुँच चुके हैं। तो चलिए इनसे पूछते हैं कि इनका क्या नाम है और इतना अच्छा गाना वो कैसे गा रहे हैं, कहाँ से गाना गाना सीखे हैं। भैया, हम लोग जब ब्लॉग बना रहे थे तो हम लोगों ने देखा कि आप वहाँ से बहुत अच्छा गाना गा रहे। तो क्या नाम है आपका? मेरा नाम शैलेश तिर्की है और मैं झारखंड से हूँ, मतलब रांची से ही। रांची से ही हैं, तो यहाँ पे घूमने के लिए आए? हाँ, बस जस्ट एडवेंचर। एडवेंचर, तो मेरा रिक्वेस्ट ये है कि आप हमारे लिए भी कोई गाना गा सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो ठीक है, चलिए भैया तैयार हो चुके हैं हमारे लिए भी एक गाना गाने के लिए। तो चलिए अब आपको सुनाते हैं बहुत ही अमेजिंग सॉन्ग। गुलाबी आंखें जो तेरी देखी, शराबी ये दिल हो गया। संभालो मुझको मेरे यारो, संभलना मुश्किल हो गया। गुलाबी आंखें जो तेरी देखी, शराबी ये दिल हो गया। दिल में मेरे ख्वाब तेरे, तस्वीर जैसे हो दीवार पे। तुझ पे फिदा मैं क्यों हुआ,
आता है गुस्सा मुझे प्यार पे, मैं लुट गया मान के दिल का कहा, मैं कहीं का ना रहा, क्या कहूँ मैं दिल रुबा, बुरा ये जादू तेरी आँखों का मुकम्मल तुझ में हो गया, गुलाबी आँखें जो तेरी देखी, शराबी ये दिल हो गया। थैंक यू गाइस, थैंक यू। सो गाइज, उम्मीद करता हूँ ये सॉन्ग आपको काफ़ी पसंद आया होगा। तो एक बार भैया को थैंक्स कि उन्होंने हमारा रिक्वेस्ट पूरा किया, काफ़ी मज़ा आया उनके सॉन्ग को सुनकर। और आप लोगों को ये सॉन्ग कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। तो भैया से ये भी जान लेते हैं, क्या उनका कोई यूट्यूब चैनल है? क्या आप कोई यूट्यूब चैनल यूज़ करते हैं? इंस्टा आईडी है मेरा Shailesh Tirki 601। तो इनका एक इंस्टा आईडी है Shailesh Tirki 601। तो जल्दी से आप सब जाओ और भैया को फॉलो करो, फुल सपोर्ट करो, उनके सारे वीडियोज़ को लाइक करो। और आप भी ब्रो टूर्स को लाइक एंड सब्सक्राइब करें और कीप इट अप ब्रो, बहुत सही कर रहे हो। थैंक यू भैया। तो आप भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इसी तरह की अमेजिंग वीडियोस हम बनाते रहते हैं। तो एक बार फिर से भैया को थैंक्स, और चलिए अब हम चलते हैं यहाँ से आगे और आपको आगे का नज़ारा दिखाते हैं। सो गाइज, फाइनली धुरवा डैम का व्यू देखकर आपको थोड़ा तो एहसास हो ही गया होगा कि यहाँ का जो दृश्य है वो काफ़ी खूबसूरत है। तो आइए अब थोड़ा धुरवा डैम के बारे में भी जान लेते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में ही बतला दिया था कि धुरवा डैम का निर्माण रूसियों के द्वारा सन 1962 से 63 ईस्वी के बीच में हुआ था। धुरवा डैम को हटिया डैम के नाम से भी जाना जाता है, और ये जो डैम है वो मुख्य शहर से लगभग 10-12 किलोमीटर दूर स्थित है। तो यहाँ काफ़ी कम हलचल होता है और ये काफ़ी शांति प्रिय जगह है। आप जब यहाँ पर आओगे तो आपको यहाँ पर काफ़ी शांति का अनुभव होगा, और यह शहर के व्यस्तता वाले जीवन से काफ़ी दूर है, तो यहाँ काफ़ी शांति रहता है। आप यहाँ पर आओगे तो आपको काफ़ी रिलैक्स फील होगा। तो आइए अब श्याम भैया से भी पूछ लेते हैं कि उन्हें धुरवा डैम आकर कैसा लगा, उन्हें यहाँ का एक्सपीरियंस कैसा लगा। तो श्याम भैया, आपको यहाँ आकर कैसा लगा, कैसा फील हो रहा है यहाँ आके? धुरवा डैम तो मैं पहले भी आ चुका हूँ, मैं रांची काफ़ी सालों से आ रहा हूँ। जब मैं पहले आया था धुरवा डैम, तो मुझे पानी के किनारे या नदी के किनारे बैठना मुझे शुरू से अच्छा लगता है। क्योंकि अपने आप अगर रांची से हो तो आपका जो वीकेंड्स होता है, तो आप अपने वीकेंड्स पे आप अपने फ्रेंड्स के साथ या फिर अपने फैमिली के साथ धुरवा डैम आके अपना समय बिता सकते हो, और यहाँ पर बिताने के बाद आपको बहुत ही रिलैक्स फील होगा। आपका माइंड जो है वो मतलब रिफ्रेश हो जाएगा। तो धुरवा डैम काफ़ी अच्छा है। और जो लोग बाहर से आते हैं, वो लोग तो जो लोग बाहर से आते हैं रांची स्टेडियम आते हैं जो मैच देखने के लिए, तो मैच देखने के बाद यहाँ आके अगर आप शाम का समय बिताओगे तो यहाँ पे बहुत मज़ा आएगा। तो फाइनली हमने आपको धुरवा डैम घुमा दिया है, और उम्मीद करता हूँ ये वीडियो भी आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आया होगा। तो वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना, और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि हम इसी तरह की अमेजिंग वीडियोस बनाते रहते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।